जब कभी भी कहीं भी कल कारखाने स्थापित किए जाते हैं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। शिक्षा की व्यवस्था हम करेंगे, शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध कराएंगे, सड़कें हम बनवाएंगे, बिजली हम देंगे, पेड़ हम लगाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि आप क्यों लगाएंगे? सोनभद्र की जनता को इसे समझना होगा। चाहे कोई भी कल कारखाना हो, जहां भी स्थापित होते हैं साथ में पर्यावरण प्रदूषण लेकर आते हैं, प्राकृतिक संतुलन को आघात पहुंचाते हैं। सोनभद्र का खूब शोषण हुआ है और अब भी हो रहा है। ओबरा में ए और बी परियोजना लगी तो ओबरा में शिक्षा के क्षेत्र में ओबरा इंटर कॉलेज खुला। अब ओबरा सी लग रही है और ओबरा डी प्रस्तावित है तो ओबरा इंटर कॉलेज को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। नए प्रशिक्षार्थियों से निजी संस्थानों की तरह नई फीस लेने की योजना है, अर्थात ओबरा और उसके आसपास के गरीब बच्चे उसमें नहीं पढ़ पाएंगे। इस संदर्भ में ओबरा इंटर कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति आंदोलित भी है। आंदोलनकारियों ने अधिकारियों को पत्र दिया है। पत्र में कहा गया है कि ओबरा इंटर कॉलेज का निजीकरण निरस्त किया जाए। उसके समर्थन में लिखा है कि ओबरा इंटर कॉलेज को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय हो चुका है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और जरूरतमंद गरीब विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय है। ओबरा इंटर कॉलेज को निजी हाथों में देने के प्रस्ताव से हम सब और हमारा संगठन अहिंसात्मक विरोध कर रहा है। जो उनकी पहली मांग है, ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा को उत्पादन निगम या सार्वजनिक या प्रांतिकरण या राज्य के क्षेत्र में संचालित किया जाए। दूसरी मांग है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी अर्थात सीएसआर का धन सीएसआर के मद में ओबरा और उसके निकट के क्षेत्रों में व्यय किया जाए। डीएवी या उसके जैसा किसी अन्य संस्थान को न दिया जाए जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई न हो सके। तीसरी मांग है सीएसआर के धन को ओबरा इंटर कॉलेज और स्थानीय विद्यालय को देकर पूर्व की बात न्यूनतम शुल्क पर पढ़ाई कराई जाए। सीएसआर के धन की जांच कराई जाए, यह काफी गंभीर सवाल है। चर्चाओं में इन दिनों बड़े पैमाने पर है कि सीएसआर का पैसा सोनभद्र के अलावा गैर जनपदों में भेजा जा रहा है। संभवतः इसी संदर्भ में इस पत्र में लिखा गया है कि सीएसआर के धन की जांच कराई जानी चाहिए। स्वाभाविक तौर पर जहां भी परियोजनाएं लगाई जाती हैं, सीएसआर का धन उसके आसपास के क्षेत्रों में ही व्यय किया जाना चाहिए, जिससे वहां की जनता को राहत मिल सके। यह पत्र ओबरा इंटर कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति ओबरा सोनभद्र के संयोजक आनंद ने लिखा है। वहीं दूसरा पत्र बिजली कामगारों के संगठन ने संयुक्त रूप से उत्पादन निगम के विद्यालयों को 10 वर्ष के लिए लीज पर दिए जाने के विरोध में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड लखनऊ को लिखा है। वे लिखते हैं कि विषयक पद संख्या 822 दिनांक 31 मार्च 2023 को संदर्भित करने की कृपा करें। कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन ओबरा अनपरा परीक्षा पनकी एवं हरदुआगंज परियोजनाओं में संचालित विद्यालयों को निजी संस्था के माध्यम से संचालित करने हैं तो मात्र 36,000 रुपए की वार्षिक लीज पर 10 वर्षों के लिए देने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो उत्पादन निगम के हित के सर्वथा विपरीत है और अरबों खरबों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को निजी क्षेत्र को कौड़ियों के दाम सौंपने का निर्णय है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश का अनुरोध है कि उत्पादन निगम के हित के विरुद्ध लिए गए निर्णय को व्यापक जनहित में तत्काल निरस्त करने की कृपा करें। लिखे गए संयुक्त पत्र पर सलेम दुबे संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश, जितेंद्र सिंह गुर्जर महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ, जीबी पटेल महासचिव राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश, मनीष कुमार मिश्र महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम अधिकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, गिरीश कुमार पांडे महामंत्री विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश, महेंद्र राय मुख्य महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, शशिकांत श्रीवास्तव महामंत्री उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ, पीके दीक्षित प्रमुख महामंत्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंप्लाइज यूनियन उत्तर प्रदेश, सुहेल आबिद महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन, मोहम्मद वसीम केंद्रीय महासचिव राज्य विद्युत परिषद प्रावधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, छोटेलाल दीक्षित प्रांतीय अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उत्तर प्रदेश, आर वाई शुक्ला अध्यक्ष विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश, योगेंद्र कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष विद्युत कार्यालय सहायक संघ उत्तर प्रदेश, विशंबर सिंह महामंत्री यूपी बिजली बोर्ड इंप्लाइज यूनियन उत्तर प्रदेश सीटू, रामसारे वर्मा प्रांतीय महामंत्री विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ उत्तर प्रदेश, शंभू रतन दीक्षित उत्तर प्रदेश
अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ताप विद्युत मजदूर संघ पीएस वाजपेयी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद श्रमिक संघ जीपी सिंह, महामंत्री विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन रफीक अहमद, महामंत्री बिजली मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश एचएमएस देवेंद्र पांडे, महामंत्री उत्तर पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी लखनऊ। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जाए पर उनका कौन सा अपराध है जो गरीब हैं और ओबरा थर्मल परियोजना के प्रदूषण से परेशान हैं? जो व्यवस्था थी उसे तो चलने देते महाराज, उसे भी समाप्त कर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या गरीबों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? बस इतना ही। जय हिंद।